हाय एवरीवन, मु गणेश आपन समस्त को स्वागत करुच्छी एसपी एजुकेशन रा यूट्यूब चैनल रे। तो आज यही वीडियो रे आम तुम केन्द्र सरकार अभ्यास कार्य करवा जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे तार आंसर पूरा भल भाव आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्न कौन अच्छे देखनी, राष्ट्रपति किपर बहिष्कृत हमें राष्ट्रपति बर्तमान आम किए अच्छा आम ओडियार झील द्रौपदी मुर्मू बर्तमान आम राष्ट्रपति अच्छा। तो राष्ट्रपति को केमी बहिष्कार कराए ता विषय चल देखिए कौन लिखा हाब ना भारत राष्ट्रपति होती केन्द्र स्तरीय कार्यपालिकार मुख्य, केन्द्र स्तरीय कार्यपालिकार मुख्य होती आम राष्ट्रपति। से होती समग्र देशर ऐक्यर प्रतीक, से केवल संविधान भंग अभियोग अभियुक्त हो महाभियोग प्रस्ताव द्वारा पदच्युत हमें केमी से पदच्युत बहिष्कार हे महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही से बहिष्कार हे। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक जटिल प्रक्रिया, प्रथमे संसदर जेकोसी गृहर सर्वमोट सभ्य संख्यार एक चतुर्थांश सभ्य 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस नहीं से ही सदन में महाभियोग प्रस्ताव आगत करती। प्रस्तावटी से ही सदनर सर्वमोट सभ्य संख्यार अन्य दुई तृतीयांश सभ्य द्वारा अनुमोदन होगापर ताय गृह को अनुसंधान पठा जाए। फास्ट आमर कौन संसद दुईट गृह अच्छी गोटे राज्यसभा गोटे लोकसभा, राज्यसभा हो कि लोकसभा हो कौन सी गोटे गृह एक चतुर्थांश सभ्य नहीं गोटे नोटिस देवे कि राष्ट्रपति यही आईन को अमान्य कर संविधान को भंग कर। जो सदन में लोक नहीं कि प्रस्ताव देते से सदन में भोट हम जो तक सदस्य अच्छा सहित भोट हम कि सत्यारे कौन यटा कर राष्ट्रपति। जदि चारि भागरु तीन भाग बा तीन चतुर्थांश लोक कहले हाँ राष्ट्रपति एटा करिसन बहिष्कार करिया कथा, ताहले एटा जीव आउ गोटे गृह को जदि राज्यसभा रे लोकसभा को जीव, जदि लोकसभा रे अनुमति पाइला तबे राज्यसभा को जीव, जे कोनसी गोटे गृह अनुमति पाइले अपर गृह टी को जीव। बुझिपारल, उक्त सदन में महाभियोग प्रस्ताव उपर अनुसंधान कला बेले राष्ट्रपति चाहिले से निजे बातांकर प्रतिनिधि सेठार उपस्थित रही निज पक्ष उपस्थापन करेंगे। जिते बड़े गोटे कौन सदन में ही सारा आउ गोटे सदन को आसो से राष्ट्रपति चाहिए रहीकिर कौन से लोक चाहिए ये रही कि राष्ट्रपति विषय में कौन राष्ट्रपति निज मत रखिपारे कि एमती मुझे करनी जब सी न करेंगे। अनुसंधान पर ही सदन जदि सर्वमोट सभ्य संख्यार अन्य दुई तृतीयांश सभ्य समर्थन प्रेरित महाभियोग प्रस्ताव को अनुमोदन करती, ताहले से ही दिन ठीक राष्ट्रपति पदच्युत हमें। जदि यही सदन में तो कौन तीन चतुर्थांश हो गल, जदि यही सदन में अन्य सदन में तीन चतुर्थांश हो जाए ताहले राष्ट्रपति से ही दिन ठीक पदच्युत करेंगे। तीन चतुर्थांश कौन ना तीन चतुर्थांश लोक जदि कहे ना ना राष्ट्रपति कौन पदच्युत होगा दरकार से आईन भंग कर राष्ट्रपति पदच्युत हे। ए पर्यंत भारतर कौन सी राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा बहिष्कृत होना, तो आम राष्ट्रपति कहीं भी महाभियोग प्रस्ताव द्वारा बहिष्कृत होना, अर्थात कौन सी राष्ट्रपति आज पर्यंत आम संविधान को भंग करना। ख नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति प्रशासनिक क्षमता बुझाई लेख। आम संविधान में अनेक गुड़िया क्षमता राष्ट्रपति हाथ में न्यस्त कर समस्त क्षमता केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल परामर्श से जाहिर कर। भारतर राष्ट्रपति केन्द्र कार्यपालिकार वास्तव मुख्य हो से निजे प्रत्यक्ष भाव में कौन प्रशासनिक क्षमता प्रयोग करती ना। मंत्री मैंने प्रशासनिक विभाग मुख्य भाव में दायित्व बहन करती और प्रशासनिक कार्य तदारख करती। केन्द्र सरकार समस्त प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति नाम से संपादित हुए। राष्ट्रर बहुपदस्थ अधिकारी सांविधानिक पदाधिकारी निजुक्ति बहिष्कार राष्ट्रपति प्रशासनिक क्षमतार अंतर्भुक्त। सी क्या बहिष्कार करेंगे आयुक्त करेंगे चल देखा। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सदस्यवृंद, महाधिवक्ता, मुख्य आयव्यय हिसाब रक्षक, महासमीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य उच्च न्यायालय कौन महासमीक्षक, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, राज्यर राज्यपाल, लोकसभा आयोग अध्यक्ष और सदस्यवृंद, अर्थ आयोग अध्यक्ष और सदस्यवृंद, निर्वाचन आयोग मुख्य आयुक्त ओ अन्य आयुक्त द्वय, सरकारी भाषा आयोग अध्यक्ष और सदस्यवृंद, अनुसूचित जाति जनजाति पछुआ वर्ग संख्यालघु आयोग अध्यक्ष और सदस्य मान राष्ट्रपति निजुक्त देते। तो यू कौन राष्ट्रपति निजुक्ति दिंती। कौन आसला राष्ट्रपति जरूरीकालीन क्षमता, राष्ट्रपति जरूरीकालीन क्षमता कौन करेंगे यहाँ इम्पोर्टाट क्वेश्चन। तो कौन हम
आम संविधान रे राष्ट्रपति को आपातकालीन बा जरूरी परिस्थितिर मुकाबला करने स्वतंत्र भाव में तीन गोटी जरूरी क्षमता प्रदान करगुड़ी है कौन जातीय जरूरी परिस्थिति तापरे राज्य जरूरी परिस्थिति तापरे आर्थिक जरूरी परिस्थिति। तो कौन अच्छी देखा जितेबाला राष्ट्रपति हृदबोध करिबे बा हृदबोध हेबे जे समग्र भारतवर्ष यार कौन सी अंचल समग्र भारतवर्ष कि गोटे अंचल निरापत्ता युद्ध बाह्य शत्रु आक्रमण बा देश मध्य संगठित सशस्त्र विद्रोह द्वारा विपन्न होपन्न होबार आशंका अच्छी सेतेबेले से समग्र देश रे बा देशर केतक अंचल रे जातीय जरूरी परिस्थिति संविधान धारा 352 अनुजाई केन्द्र मंत्रिमंडल लिखित सुपारिश क्रमे प्रयोग करेंगे माने केन्द्र मंत्रिमंडल को लिखे केन्द्र मंत्रिमंडल अनुमोदन से करेंगे यह जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा कौन कह जातीय जरूरी परिस्थिति यही घोषणानामाटी घोषणा होवार एक मास मध्य संसद उभय गृह दुई तृतीयांश संख्यागरिष्ठ भोट समर्थन में थे अनुमोदित हेले छमास पर्यंत बलवत्तर रहे बुझिपालना जब कौन राष्ट्रपति घोषणा करेंगे कि हाँ जातीय जरूरी परिस्थिति आम ये अंचल कि भारत जातीय जरूरी परिस्थिति हम तार गोटे मास भितर से जो लिस्ट थी जातीय जरूरी परिस्थिति जाकि संसद में तीन भाग रु दुई भाग लोक अनुमोदन कर आवश्यकता रही ताहले से कौन छमास पर्यंत चलो पुणी छमास पुणी कौन थे छमास अनुमोदन हेले अनिर्दिष्ट काल पर्यंत बलवत्तर रही पारे सरी पे तापर कौन हाँ आम संविधान रे राज्य मानक संसदीय शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करदी कौन से समय रे राज्यर राज्यपाल रिपोर्ट वन कौन सूत्र को सूत्र जानवाक मिले कि राष्ट्रपति हृदबोध हुए जे राज्यर शासन व्यवस्था संविधान स्वीकृति पंथार परिचालित हो पारना और सेठे शासन व्यवस्था विपर्जय हो राष्ट्रपति संविधान धारा 356 352 कौन करते जातीय जरूरी परिस्थिति 356 राज्य जरूरी परिस्थिति उक्त राज्य जरूरी परिस्थिति घोषणा करेंगे से ही राज्य रे राष्ट्रपति शासन परिचालित हे राज्य विधानसभा को भांगी दिजा निलंबता कर दिजापर आसा कौन आर्थिक जरूरी परिस्थिति जितेबाला राष्ट्रपति हृदयंगम करती जे भारत आर्थिक स्थिरता विपन्न और आर्थिक परिस्थिति विपर्जय होते संविधान 360 धारा अनुजाई आर्थिक जरूरी परिस्थिति घोषणा करती आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा घोषणानामा दुई मास मध्य संसद द्वारा अनुमोदन होगा आवश्यक तापर उपराष्ट्रपति विषय आसवा उपराष्ट्रपति कार्य कौन भारत उपराष्ट्रपति होती जो सांविधानिक पदाधिकारी मात्र संविधान तक हाथ में कौन गुरुत्वपूर्ण क्षमता व दायित्व नाश करना केवल दुईट मात्र सांविधानिक कर्तव्य संपादन करती उपराष्ट्रपति जितेबाला आम देश में राष्ट्रपति पद मृत्यु पदत्याग पदच्युत अन्य कौन कारण शून्य पड़े सेतेबाला उपराष्ट्रपति सर्वाधिक छमास पर्यंत नूतन राष्ट्रपति निर्वाचन पर्यंत अस्थायी राष्ट्रपति रूपे कार्य करतापर ट्रिपल आई पॉइंटेड हाँ आई डबल आई नुह ट्रिपल आई यही समय से राष्ट्रपति पदवी संपृक्त समस्त सुविधा सुजोग उपभोग पुनः राष्ट्रपति असुस्थता बशत अनुपस्थित रहा हेतु कौन सी कारण हेतु कार्य संपादन असमर्थ हमें ताल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्य से ही समय संपादन कर माने सीए कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति सब कार्य संपादन करेंगे आई भी राष्ट्रपति निजर पदाधिकारी बल में राज्यसभा अध्यक्ष भाव में संपादित होती राष्ट्रपति नो उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन राज्यसभा अध्यक्ष भाव में संपादन होता से राज्यसभा अधिवेशन कार्य परिचालना करती भी क्वेश्चन राष्ट्रपति प्रति उपराष्ट्रपति अनेक आलंकारिक कार्य संपादन करती से विदेश गत कर सरकार नीति और आदर्श को उपस्थापित करते उपस्थापित कर से अनेक समय रे सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्सव में अतिथि भाव में जोग दिखते आलंकारिक कार्य करती वन नंबर प्रश्न प्रधानमंत्री कार्यकाल वर्णना कर कार्यबल वर्णना कर केमती से कौन कार्य करती भारतीय संजत सरकार रे सॉरी स्टूडेंट्स भारतीय संजत सरकार रे प्रधानमंत्री भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रधानमंत्री केन्द्र कार्यपालिका जोटा मंत्रिपरिषद कह मुख्य प्रशासनिक मुख्य प्रधानमंत्री सांविधानिक प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्थार बहुविध कार्य संपादन करती कार्यगुड़िकला वर्णन कर प्रधानमंत्री केन्द्र मंत्रिमंडल मुख्य
से यार सृष्टि स्थिति और विलयर केन्द्रबिंदु। डबल आई कौन लगे प्रधानमंत्री मंत्री मान विभिन्न विभाग बंटन करती से विभाग मध्य अदल बदल करती किंवा कौन से मंत्री को इस्तफा देवाक निर्देश दिखती। ट्रिपल आई प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और संसद मध्य जोग सूत्रकारी भाव कार्य करती। आई वि से केन्द्र कैबिनेट अध्यक्ष भाव दायित्व तुलांती। प्रधानमंत्री होती राष्ट्रर नेता से दलर सर्वोच्च नेता भाव कार्य करती। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्य परामर्शदाता भूमिका निर्वाह करती। प्रधानमंत्री राष्ट्रर जनसाधारण नेता अटंती। आई एक्स लिख प्रधानमंत्री पदमर्यादा बल में योजना आयोग तथा विभिन्न संस्थार अध्यक्ष अटंती। स्वाधीनता दिवस में लाल किल्लार जातीय पताका से उत्तोलन करती। तापर है कि संविधान 78 धारा प्रधानमंत्री कार्यवाही विषय सूचना दिए दी जाती केन्द्र सरकार प्रशासनिक मुख्य से राष्ट्रर नीति निर्धारक और आंतर्जातीय क्षेत्र में राष्ट्रर मार्गदर्शक। 6 नंबर प्रश्न केन्द्र मंत्रिमंडल कार्य कौन। आम संविधान अनुसार केन्द्र मंत्रिपरिषद संसद निम्न सदन व लोकसभा निकट में व्यक्तिगत और सामूहिक भाव में उत्तरदायी अर्थात जेकोसी मंत्री दोष त्रुटि पर समग्र मंत्रिपरिषद उत्तरदायी तेणु मंत्रिपरिषद स्थिति और विलय सर्व सदा सर्वदा सामग्रिक व सामूहिक भाव में होता है। डबल आई कौन लिखा ना मंत्रिमंडल देश शासन तथा वैदेशिक व्यापार संपर्क में विभिन्न नीति निर्धारण करती विभिन्न नीति गुड़िक किपर ठीक भाव में और उपयुक्त समय कार्यकारी हो पार से संपर्क में निष्पत्ति ग्रहण करती। ट्रिपल आई देश में आईन प्रणयन करने कार्य संसद होते आईन रूपरेख और विषय वस्तु निर्धारण प्रकृति मंत्रिमंडल स्थिर करती। देश में आय व्यय विभिन्न सूत्र रु निर्धारण और बजेट बा जो आय व्यय अटकल प्रस्तुति इत्यादि कार्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन होता है। आई भी देश शासन और राष्ट्रपति कार्य संपादन क्षेत्र में समुचित परामर्श प्रदान करने मंत्रिपरिषद कार्य आउ कौन रहा शेष पॉइंट लिखिपर कि सरकार विभिन्न विभाग मध्य समन्वय प्रतिष्ठा करने और सामूहिक भाव सरकार विभिन्न योजना कार्यक्रम गुड़िकर सफल रूपायन करवा मंत्रिपरिषद मुख्य कर्तव्य। मंत्रिपरिषद कार्यगुड़ी तुम कौन कौन जाणीगल। तापर 6 नंबर लोकसभा गठन और कार्यवली वर्णना कर तो आंसर कौन हम भारत केन्द्र व्यवस्थापिका होती सांसद व पार्लियामेंट यह निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कह जाए। तापर डबल आई यार केमती गठन करा जाए ना लोकसभा सदस्य मैंने सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा माध्यम प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होता यार 525 जन सदस्य राज्य मानकर और 20 जन केन्द्रशासित अंचल निर्वाचित होता आवश्यक स्थले राष्ट्रपति 2 जन आंग्लो भारतीय मनोनीत करतापर लोकसभा कार्यवली सब कौन गुड़िया देखा ना लोकसभा मुख्य काम है आईन प्रणयन करवा कि लोकसभा केन्द्र तालिका और युग्म तालिकाभुक्त विषय आईन प्रणयन करवश्यक स्थले राज्य तालिकाभुक्त विषय से आईन प्रणयन संविधान 75 धारा अनुसार केन्द्र मंत्रिमंडल सदस्य मैंने लोकसभा निकट में सामूहिक भाव में उत्तरदायी लोकसभा मंत्रिमंडल को प्रश्नोत्तर स्वल्प नोटिस प्रश्न मुलतवी प्रस्ताव अनास्था प्रस्ताव इत्यादि जरिए नियंत्रण करे। भीरे लिखिबो लोकसभा अन्य कार्य है यह संविधान संशोधन करवा कि संविधान यदि कौन संशोधन आवश्यक सी लोकसभा करे। लोकसभा किसी न्यायिक कार्य रही लास्ट पॉइंट यार निर्वाचन संबंधी क्षमता अच्छी लोकसभा केवल बजेट आगत कराई थाए यार आहरी अनेक विविध कार्य रही यार क्षमता और कार्यवल जना पड़े लोकसभा एक शक्तिशाली गृह केन्द्र व्यवस्थापिका यार क्षमता केन्द्र बिंदु सदृश जार स्थिति खूब दृढ़ और लोकप्रिय। 6 नंबर प्रश्न राज्यसभा गठन और कार्यवली वर्णन कर बर्तमान केन्द्रसभा विषय जान ला बर्तमान राज्यसभा कौन ना राज्यसभा हूँ संसदर उच्च सदन व द्वितीय सदन यार विलय घटे ना केन्द्रसभा जमी 5 वर्ष के थे पुणी तैयारी हुए कि राज्यसभा के विलय हुए ना यही गृह को विभिन्न राज्य मानक प्रतिनिधित्व करती राज्यर लोक संख्या अनुपात प्रतिनिधि व्यवस्था रही अच्छी राज्यसभा सर्वाधिक सभ्य संख्या 250 ए सर्वाधिक 238 जन विभिन्न राज्य और केन्द्रशासित अंचल परोक्ष भाव में निर्वाचित हमें 12 जन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हमें जी मैंने कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवे पारदर्शिता परिदर्शन करते राष्ट्रपति निजुक्त करती। डबल आई
राज्यसभा सभ्य माने प्रत्येक राज्यर विधानसभा निर्वाचित प्रतिनिधि मानंक द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एक हस्तांतरीय भोट प्रथा माध्यम निर्वाचित होती। आमर प्रायतः आईन प्रणयन क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा समान क्षमता उपभोग करती। केवल साधारण बिल गुड़िक सदन में आगत करो सदन में आमर राज्यसभा साधारण बिल गुड़िक आगत कर राज्यसभा राज्यसभा लोकसभा पर कार्यपालिका सीधा सड़क नियंत्रण रखिपारे ना तथापि मंत्री मान स्वेच्छाचारिता ह्रास करने राज्य सरकार सदस्य मान से मानक नाना प्रकार प्रश्न पचारि पारती। लास्ट पॉइंट आम कौन लिख संविधान राज्यसभा आर्थिक क्षमता संकुचित करी अर्थ बिल केवल लोकसभा आगत और गृहत होगा राज्यसभा को 14 दिन नोटिस दि जाए। तापर पे देख ये कौन मिस्टेक होती कि आमर आई एट डबल आई ट्रिपल आई एटा आई भी बुझिपार कि पॉइंट टी मिस्टेक मैंने आडजस्ट कर नब। तापर झ नंबर संसदर साधारण बिल किपर गृहत होता है ना संसद में आगत प्रस्तावित आईन को चिठा आईन कह जाए। चिठा आईन बिल गुड़िक साधारण दुई भाग विभक्त कर साधारण बिल आ गोटे अर्थ सम्बन्धी बिल। साधारण बिल बा चिठा आईन जे कोनसी गृह आगत कर प्रत्येक बिल गृह उपस्थित होगापे तीन गोटी पाठ मध्यम गृहीत होता है। प्रथम पाठ प्रथम पाठ समय केवल बिल्र उद्देश्य और शिरोनाम पाठ कर बिल्र को उद्देश्य बिल्टे आसूची। तापर द्वितीय पाठ समय बिल उपर गृह पुंगखानुपुख भाव आलोचना करे एवं आवश्यक स्थल बिल जांच कमिटी बा सिलेक्ट कमिटी को प्रेरित होता है बिल्टी जांच करने कि जनमत संग्रह जनसाधारण निकट को पठा जाए कि जनसाधारण भल ना ना पठा जाए था द्वितीय पाठ से। तृतीय पाठ समय बिल उपर मतदान वोट ग्रहण कराए भोट कौटी ग्रहण कराए लोक मे नु भोट ग्रहण कर संसद में संख्यात्मक समर्थन में बिल गृहत होगापर बिल अन्य एक गृह को प्रेरित होता है। से ही गृह बिल तीन गोटी पाठ दे गति कैपर उभय गृह बिल गृहत होगापर राष्ट्रपति निकट को सम्मति पाइबापी पठा जाए। राष्ट्रपति सम्मति पाइबापर चिठा आईन टी पूर्णांग परिणत हुए मैंने से आईन हो जाए। तापर आम नेक्स्ट कौन अर्थ सम्बन्धी बिल केवल लोकसभा प्रथम आगत होता है राज्यसभा अर्थ सम्बन्धी बिल आगत हो पार ना सरी अर्थ बिल आगत होगा पूर्व राष्ट्रपति पाक अनुमति पाइबा एकांत आवश्यक मानने अर्थ बिल आसवा पूर्व आगे राष्ट्रपति की जना गोटे बिल अर्थ बिल कि नुहे लोकसभा बाचस्पति निष्पत्ति करता अर्थ बिल ना नुहे यटा को बाचस्पति ही कहे कि यहाँ अर्थ बिल ना ना अर्थ बिल लोकसभा गृहत हो पाए बाचस्पति सर्टिफिकेट सह राज्यसभा गृहत होगापी से ही गृह को पठा जाए। राज्यसभा 14 दिन मध्य बिल को अनुमोदन कर लोकसभा को न पठाए ताल अर्थ बिल राज्यसभा गृहत होली धरी निजाए। मनेकर जदि 14 दिन भर अनुमोदन नक दबनी ताल नदे लोकसभा भाव कि कौन राज्यसभा गृहत हो अर्थ बिल उभय गृह गृहत होगापर राष्ट्रपति सम्मति पठा जाए। राष्ट्रपति एथेर सम्मति दे था कहीं प्रथम राष्ट्रपति की पचरा जाए कि यहाँ आम अर्थ बिल आणबू तो सी जानी था प्रथम तो सम्मति देवा सी बाध्यपर लोकसभा बाचस्पति क्षमता और कार्य कौन कौन अच्छी देखा ना लोकसभा प्रथम बैठक में सभ्य मानर जड़े बाचस्पति रूप निर्वाचित हमें से लोकसभा गृह अध्यक्ष भाव कार्य तुलाई था से गृह शांति श्रृंखला रक्षा करती और नीति नियामक व्याख्या करती। बाचस्पति सभ्य मानकर अधिकार सुविधा सुजोग सुरक्षा प्रदान करती विशृंखलित आचरण पर जेकोसी सदस्य को गृह बहिष्कार निलंबित करते। ट्रिपल आई आमर कौन साधारण तो कौन सी चिठा आईन एक अर्थ सम्बन्धी बिल कि नुहे बाचस्पति निर्धारण करती कौन सी चिठा आईन सपक्ष विपक्ष में मतदान करती ना कौन बाचस्पति मतदान करें ना आई भी जितेबाला गोटे चिठा आईन सपक्ष विपक्ष में सामान संख्यक भोट मिले से बाचस्पति निर्णायक भोट प्रदान कर चिठा आईन भाग्य निर्धारण करती। मन कर आईन आईन विषय मैंने कौन सामान लोक कहले कि यहाँ ठीक अच्छे आउ किसी लोक कहले यहाँ भूल अच्छे पूरा मन कर सब लोग मैंने कौन सेम सेम आसला भोट सेम आसला मैंने क्या कथा हाँ से बाचस्पति कहे जोटा से हम गृह कार्य समापन में विशृंखला सृष्टि से कार्य सभा कार्य को मुलतवी रखती ये तो कहला लोकसभा कौन बाचस्पति कार्य। तापर वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय मौलिक क्षेत्राधिकार गुड़िक बुझे लिखा कौन हम देखा ना सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार को तीन भाग विभक्त कर मौलिक क्षेत्राधिकार आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार आ उपदेशमूलक क्षेत्राधिकार।
तो मौलिक क्षेत्राधिकार हूँ कौन ना सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय होइथिबारु केन्द्र और राज्य मानक मध्यरे बा राज्य राज्य मानक मध्यरे विवाद उपजिले ताहा न्यायिक समाधान सर्वोच्च न्यायालय करथाय। तापर कौन ना केन्द्र सरकार बनाम एक बा एकाधिक राज्य सरकार मध्यरे विवाद किंबा केन्द्र सरकार ओ एक बा एकाधिक राज्य सरकार बनाम एकाधिक राज्य सरकार मध्यरे बा राज्य बनाम राज्य मध्यरे विवाद हेले सर्वोच्च न्यायालय ए विवाद को समाधान करथाय। तापर कलक्षेपना नागरिक मौलिक अधिकार गुड़िक सुरक्षा प्रदान करने सर्वोच्च न्यायालय कार्य अटे। कौन से नागरिक मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सो ही पारंती। सर्वोच्च न्यायालय पांच कोटी न्यायिक आदेश व परमादेश जरिया मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान कै। लास्ट पॉइंट कौन लिखा ना से परमादेश गुड़िक है जो पांचटी परमादेश हाइबिस कॉर्पस मानमस प्रोहिबिन्स तापरे सरिसियो आरी ओ कोथवारे कोथराए एटा इंग्लीश टर्म गुड़ा तुमको ओडिया कह जाए। दुई नंबर प्रश्न निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न उत्तर गोटे वाक्य लिख भारत संवैधानिक राष्ट्र मुख्य किए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा को कई व्यक्ति मान के सभी मान मनोनीत करती कला विज्ञान साहित्य समाज क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ कर बार जन व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा को मनोनीत करती। लोकसभा को राष्ट्रपति केत जन सभ्य मनोनीत करती और से मैंने क्यों वर्गर दुई जन सभ्य को मनोनीत करती से मैंने आंग्लो इंडियान बा आंग्लो भारतीय वर्गर होती। राष्ट्रपति केवल संविधान भंग अभियोग अभियुक्त ही महाभियोग प्रस्ताव द्वारा पदच्युत करेंगे। प्रश्न आसा कौन ना क्यों कारण राष्ट्रपति को बहिष्कार करदी से संविधान भंग अभियोग महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही बहिष्कार हो पारे। वन नंबर प्रश्न क्यों कारण राष्ट्रपति को बहिष्कार कर जमती कहली कौन संविधान भंग अभियोग राष्ट्रपति को बहिष्कार कर। लोकसभा सर्वाधिक सदस्य संख्या के 552 हो पार लोकसंख्यार कौन सर्वाधिक सदस्य संख्या। लोकसभा किए अध्यक्षता करती बाचस्पति अध्यक्षता करती। आम नंबर प्रश्न कौन रही देख राज्यसभा सभ्य होगापी सर्वनिम्न बयस सीमा 30 वर्ष। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष। केन्द्र मंत्रिमंडल बैठक में किए अध्यक्षता करती प्रधानमंत्री अध्यक्षता करती केन्द्र मंत्रिमंडल बैठक में। झूला संसद कौन ना जिते बड़े लोकसभा कौन सी गोटे निर्दिष्ट राजनीतिक दल निराशुक संख्यागरिष्ठता हासिल करना से झूला संसद परिस्थिति सृष्टि हुए। 6 नंबर प्रश्न राष्ट्रपति केतबेले अध्यादेश जारी करती ना संसद अधिवेशन चालू ना समय जदि कौन जरूरी परिस्थितर मुकबिलाई हठात आईन प्रणयन आवश्यकता हुए मंत्रिमंडल परामर्श क्रमे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती। कोरम कहले कौन बुझ ना जो न्यूनतम सभ्यंकर उपस्थिति ये सभ्य कार्य आरंभ करने निहाती जरूरी ताको कोरम कहा जाए। ड नंबर प्रश्न केन्द्र मंत्रिमंडल किपर गठित हुए प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन पर संख्यागरिष्ठ दल व नेता एकाधिक मेटी दल नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाव और परामर्श से अन्न्य मंत्री मान निति दिंपरी भाव केन्द्र मंत्रिमंडल गठित हुए। 9 नंबर प्रश्न संसद मिलित अधिवेशन किए अध्यक्षता करती लोकसभा बाचस्पति अध्यक्षता करती। राज्यसभा सभ्य मैंने केत वर्ष निर्वाचित हमें 6 वर्ष पर अर्थ बिल संसद के आगत कराए। अर्थ बिल केवल लोकसभा व निम्न गृह ही आगत हो पार। बर्तमान आसा भारत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किए निजुक्ति करती राष्ट्रपति निजुक्ति करती। 10 नंबर प्रश्न भारत जरूरी परिस्थिति किए घोषणा करती राष्ट्रपति घोषणा करती। तापर 9 राष्ट्रपति शासन क्यों परिस्थिति घोषणा कराए राष्ट्रपति शासन कौन सी राज्य में सांविधानिक संकट देखागले राष्ट्रपति शासन घोषणा कराए। कौ धारा अनुसार राष्ट्रपति शासन घोषणा कर धारा 356 अनुसार। तापर कौन रहा सर्वोच्च न्यायालय विचारपति मान किए निजुक्ति करती राष्ट्रपति निजुक्ति करती। तापर सर्वोच्च न्यायालय विचारपति मैंने केते वर्ष बयस अवसर ग्रहण करती 4 नंबर क्वेश्चन देख 65 वर्ष बयस अवसर ग्रहण करती। तापर 2 नंबर क्वेश्चन क्यों परिस्थिति रे राष्ट्रपति पद शून्य पड़े जदि राष्ट्रपति इस्तफा दिखती मृत्यु हुए कि अवसर पूर्वक इस्तफा दिखती दीर्घ दिन धरी छुट्टी रुहत कि महाभियोग द्वारा पदच्युत हमें तेज राष्ट्रपति पद शून्य पड़े। क्यों परिस्थिति रे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दायित्व संपादन करती यही सब समय जिते मृत्यु पदत्याग पदच्युत दीर्घकालन छुट्टी कारण राष्ट्रपति पद शून्य पड़े ताहले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दायित्व संपादन करती। तापर है राष्ट्रपति क्यों वर्ग और केते व्यक्ति को लोकसभा को मनोनीत करती आंग्लो भारतीय वर्गर दुईज व्यक्ति को लोकसभा को मनोनीत करती।
घ नंबर प्रश्न राज्यसभा अध्यक्ष किए राज्यसभा अध्यक्ष होती उपराष्ट्रपति र नंबर प्रश्न ज र नंबर प्रश्न जो निर्दिष्ट कारण सर्वोच्च न्यायालय विचारपति मानक पदच्युत कराए कौन सर्वोच्च न्यायालय विचारपति मानक पदच्युत कराए ना प्रमाणित असदाचरण और शारीरिक असमर्थ्य कारण सर्वोच्च न्यायालय विचारपति मानक पदच्युत कराए। नेक्स्ट प्रश्न किपर क्या द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विचारपति मैंने पदच्युत हमें सर्वोच्च न्यायालय विचारपति मैंने पदच्युत प्रस्ताव संसद उभय गृहर अर्धाधिक संख्यागरिष्ठ समर्थन तथा उपस्थित दुई तृतीयांश सदस्यों द्वारा समर्थित हुए राष्ट्रपति द्वारा से पदच्युत होतापुर कार्ड प्रस्ताव गृहत हेल्ले कि परिस्थिति उपजे जदि कार्ड प्रस्ताव गृहत हे तेज कौ परिस्थिति उपजीव ना कार्ड प्रस्ताव गृहत हेल्ले मंत्रिमंडल इस्तफा देवा बाध्य केन्द्र सरकार वार्षिक आय व्यय बजेट किए संसदे आगत करती वित्तमंत्री मान अर्थमंत्री आगत करती संविधान संशोधन आईन क्या द्वारा गृहत हुए संविधान संशोधन आईन संसद द्वारा गृहत हुए लोकसभा सदस्य हाँपाई बयस के दरकार 25 वर्ष बयस लोकसभा सदस्य हो पार क्या विरोध में और क्यों सदन में अनास्था प्रस्ताव आगत कराए केन्द्र मंत्रिमंडल विरोध में लोकसभा अनास्था प्रस्ताव आगत कराए संसदर प्रयोग घोषणा किए करती और केत करती संसदर कौन सी अधिवेशन समाप्त हेल्ले राष्ट्रपति संसद में प्रयोग घोषणा करती इन प्रश्न क्यों परिस्थिति में संसद में मिलित अधिवेशन डक जाए साधारण बिल गृहत होगा क्षेत्र में लोकसभा राज्यसभा मध्य मत पार्थक्य देखागले संसद में मिलित अधिवेशन डक जाए। ल नंबर प्रश्न शेष प्रश्न योजना आयोग परिवर्तित नाम कौन योजना आयोग परिवर्तित नाम होगी नीति आयोग तो ये हमारे सरला आम कौन दुई नंबर प्रश्न तेल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा पाने तीन नंबर जो पांचटी क्वेश्चन अच्छी दुखद विषय आम प्रिंट करूँ बट मुझे तुमको पढ़ी तार आंसर शुणाई दूसरी प्रथम प्रश्न क रे कौन अच्छी ना अच्छी डैश आम देशर प्रथम राष्ट्रपति आम देशर प्रथम राष्ट्रपति किए प्रथम आंसर हम एक तीन नंबर क रनसर हम डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद किए डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद तुमने लिखीदे पार राजेन्द्र प्रसाद तापर ख नंबर कौन अच्छी केन्द्र मंत्रिमंडल मुख्य को डैश कह जाए केन्द्र मंत्रिमंडल मुख्य को कौन कहुए नरेन्द्र मोदी कह जाए ना नरेन्द्र मोदी न कौन कह जाए प्रधानमंत्री कह जाए प्रधानमंत्री बोली कह जाए। तापर ग नंबर प्रश्न कौन दे डैश मसीह आम देश सर्वोच्च न्यायालय जन्म लाभ कला आम देशर सर्वोच्च न्यायालय 1950 रे जन्म लाभ कला के 1950 मसीह तापर आउ दुईटा क्वेश्चन रहा घ नंबर कु उ नंबर तो घ नंबर रही उपराष्ट्रपति डैश मसपाई अस्थायी राष्ट्रपति भाव कार्य करेंगे छमासपर डैश एक अस्थायी सभा क्योंटी एक अस्थायी सभा ए चारो अप्सन अच्छी लोकसभा राज्यसभा विधान परिषद एम क्योंटी नुहे तो यार आंसर हम लोकसभा कौन हम लोकसभा तो आमर एठी विषय अभ्यास कार्य सरला टिके बड़ अभ्यास कार्य अच्छी कौन हम आम जी अभ्यास कार्य अच्छे आम लिखा देखा परवर्ती वीडियो रोचे जय जगन्नाथ बंदे उत्कल जननी।